हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, उस लेक्चर सीरीज के अंदर आज हमारा ये जो क्लास सॉरी हमारा लेसन नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है, और लास्ट लेक्चर के अंदर जो कुछ न्यूमेरिकल्स रह रखे हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज को और बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल नंबर 19, न्यूमेरिकल नंबर 10 आंकिक प्रश्न की पहले चर्चा कर लेते हैं। आंकिक प्रश्न में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, उनमें से जो मैंने नहीं करवाए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन में दे रखा है कि दो चार्ज दे रखे हैं, किसी निकाय में दो आवेश QA और होता QB ये दे रखे हैं। तो निकाय में दो आवेश दे रखे हैं, QA बराबर दे रखा है 2.5 × 10⁻⁷ QB चार्ज दे रखा है माइनस का 2.7 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, क्रमशः कहाँ रखे गए हैं, ये जो QA चार्ज है उसका जो ओरिजिन है 0.0 − 15 cm में दे रखा है, और B पॉइंट जो पहले वो 0.0 + 15 cm पर पहले से। ठीक है, तो निकाय का क्या निकालना है, द्विध्रुव अवगुण निकालना है। टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए शुरू करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। क्यों माना जा रहा है बेटा, क्योंकि एक्स वाई जेड ये माने का तरीका, क्योंकि जो पार्टिकल है चार्ज जो है वो माइनस एक्स और प्लस माइनस जेड और प्लस जेड में पहले से हमारे पास ये जो होगा, तो मैंने मान लिया ये हमारा ओरिजिन है, इधर से 15 सेंटीमीटर पर जो हमारे पास ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट जो है वो कितना है ए, और यहाँ पे तो चार्ज पहले से वो कितना है क्यू ए, और यहाँ पे चार्ज पहले से वो कितना है क्यू बी, क्योंकि क्यू बी के लिए प्लस 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.15 मीटर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस देखा जाए इधर वाली वो भी कितनी होगी 0.15 माइनस का सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है, एक आवेश का परिमाण, उसका मतलब एक आवेश का परिमाण किसी का भी ले लो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो ये है, यहाँ से ए से बी तक, और ये कितनी है 12, ये प्लस का इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 0.30 सेंटीमीटर। 12 डिस्टेंस यानी चार्ज ये रहा, हमें इसका मान रखना और सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा 0.3। अब 0.3 इससे हमने 2.2 दशमलव उड़ाने पर नीचे कितना 100, अब सॉल्व किया तो कितना आ गया 75 × 10⁻¹ कूलाम इंटू सेंटीमीटर का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 थे वो देखते हैं क्या आ गया 11 में के लिए। चलिए करते हैं, एक निकाय का द्विध्रुव अवगुण दे रखा है, एक डाइपोल दे रखा है, उसका द्विध्रुव अवगुण दे रखा है, पी दे रखा है कितना 4 × 10⁻¹ कूलाम इंटू सेंटीमीटर। द्विध्रुव अवगुण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन में कूलम, 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन में कूलम, परिणाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर संरक्षित है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कार्यरत बल अवगुण का परिकलन कीजिए, हमें क्या निकालना है गिवन में, टू फाइंड आउट में हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, और टॉर्क के बारे में जानते हो बेटा आप, वो कितना होता है टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, पी कितना है 4 × 10⁻¹ इंटू ई कितना है 5 × 10⁴, और ये कितना है 30 sin 30 डिग्री। अब आपको पता है साइन 30 का पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10⁻⁹, 10⁴ प्लस का घटाने पर कितना देगा 10⁻⁵, 5 × 1/2 काटने पर कितना देगा 10 × 10⁻⁵, सॉल्व करने पर 10⁻⁴ न्यूटन इंटू कितना देगा मीटर, ये इसका डाइपोल मोमेंट आ गया। इसके बाद जो हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ आपको दिख रहा लिखा हुआ, इस 12 नंबर क्वेश्चन को मैंने पहले करवा दिया, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन में अभी नहीं करवाऊंगा, 13 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दो आवेश दे रखे गिवन में, दो चार्ज दे रखे,
मान लिया Q1 चार्ज जब हो गया प्लस का 10 माइक्रो कूलम बराबर 10^-5 कूलम, Q2 दे रखा है वो कितना दे रखा है -10 माइक्रो कूलम दे रखा है -10^-5 कूलम। ठीक है, दो आयस दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है, इसका मतलब देखो डाइपोल की तरह बन रहा है +5, तो डिस्टेंस दो दे रखी है, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, बोले तो 0.02 मीटर दे रखे है। ठीक है, रखा जाता है इनके इनकी अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो वो कितना देगा 0.06 मीटर। ठीक है, इस पे हमें क्या निकालना है, अक्ष और निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टू फाइंड आउट पर हमें क्या करना है, अक्ष और निरक्ष बिंदु पर, तो ई निरक्ष पर निकालना है, एक तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और एक क्या निकालना है, ई अक्ष पर। यहां हमें दो क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, इस प्रॉब्लम को आप घर पे सोल्व करोगे खुद, तो मैं बता देता हूं, पहले आपको डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा सिस्टम का, क्योंकि जो फॉर्मूला थे अक्ष के उसके बारे में देखे तो ई एक्सेल का फॉर्मूला तो होता है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते उसका, तो वो कितना होता है 2kp/2 में कितना होता है r³। एक तो ये दूसरा हमारे पास देखा जाए ई निरक्ष का, ई निरक्ष का फॉर्मूला का तो मोड देखे तो ये कितना आएगा, ई इक्विटोरियल बराबर कितना आएगा kp cos θ/r³। तो देखो बेटा k आपको पता है, r डिस्टेंस थ्योरी, और ये जो p है वो हमें निकालना है, तो डायपोल मोमेंट p निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, p बराबर कितना होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो एक आवेश का परिमाण कितना दे रखा है 10^-5 और दोनों आवेशों की दूरी कितनी दे रखी है 0.6। सॉल्व कर लो बेटा कितना आएगा 6×10^-6 कूलम इंटू सेंटीमीटर, ये इसका डायपोल मोमेंट आ गया। सॉरी ये डिस्टेंस आर दे रखी है, ये डिस्टेंस डायपोल मोमेंट के लिए, डायपोल मोमेंट डिस्टेंस है 0.02, 0.02 करेंगे तो 2×10^5 तो कितना देगा 7 कूलम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। इन फॉर्मूला में आपको पी का मान यहां से रखना है, के का मान आपको सबको पता है कि K का मान कितना होता है 9×10^9 Nm² / कूलम स्क्वायर, डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। आप इसमें मान रखना और निरक्ष और अक्ष की तीव्रता के अंदर मान रख के जो आपका आंसर है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 14 नंबर क्वेश्चन है मैंने वो भी करवाया है, वो आपको यहां दिख रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, बल्कि जो Q/4 आपको डीपी में भी दिया था सॉल्व करने, किसी बच्चों ने सॉल्व भी किया है, बहुत से बच्चों ने, तो उनके लिए धन्यवाद। और 15 नंबर क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो आपको दिख रहा है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण एंटर कर रहे हैं तो उनका त्वरण का अनुपात, ये भी मैंने क्वेश्चन को करवाया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी आंकी प्रश्न वो समाप्त हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है एक बच्चे का डाउट है, उस बच्चे का डाउट को सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 17 है देखना, आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो धनावेश दे रखे, वो कहां का रखे, जिनका प्रत्येक पर आवेश दे रखा है, तो मैंने पहले Q1 मान लिया, वो Q2 के चार्ज के बराबर, एक बार के लिए मैं भी ए भी मान लेता हूं उसको, वो दे रखा है 10^-8 कूलम। कहां रखा गया है, आरए की जो पॉइंट पोजिशन वेक्टर है वो दे रखा है x बराबर, आरए के लिए कोऑर्डिनेट है वो कितना है +0.1 मीटर। और इसका जो पॉइंट दे रखा है क्यू ए का QB का वो दे रखा है 0.1 माइनस का मीटर इंटू सॉरी कोमा जीरो, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पर रखे गए निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु कौन से दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है मूल बिंदु, बी नंबर दे रखा है हमारे पास ए नंबर, बी नंबर हमारे पास दे रखा है x बराबर 0.2 मीटर एंड y बराबर 0 मीटर, और जो सी दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है x बराबर 0 y बराबर 0.1, दे रखा है x बराबर 0 मीटर एंड y बराबर 0.1 मीटर, ये तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को, पहले हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमने कार्तीय निर्देश तंत्र बनाया, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा
जो क्यू एस आर थे वो प्लस 0.1 मीटर पे डिस्टेंस में, तो ये हमारे पास 0.1 है। इसको मैं कैसा मानूंगा कि यहाँ पे जो चार्ज पहले से क्यू है, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर, इधर क्यू भी चार्ज पहले से, क्यू भी चार्ज की डिस्टेंस देखी थे यहां से वो माइनस का 0.1 इधर चार्ज पहले से क्यू भी। अब कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चीज के बारे में डोरेट कर देता हूं, जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चीज को मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक तो मैं स्टार यहां बना रहा हूं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यहां निकालना है जिसकी डिस्टेंस दे रखी यहां से 0.2 मीटर, ठीक है। एक स्टार बना रहा हूं मैं यहां पर, एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां निकालनी, जहां का स्टार बना रखे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, तो मैं उसको क्या मान लेता हूं, इसको ओ मान लिया, ये मान लिया सी, और ये क्या मान लिया मैंने डी। तो पहले ए पर निकाल लेते हैं, तो मूल बिंदु वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ए नंबर मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा मूल बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसमें यहां पर भी डिस्टेंस 0.1 है, यहां पर भी डिस्टेंस क्या 0.1, चार्ज दोनों का सेम है, क्यूए पे भी चार्ज जितना जितना क्यू2 पे है, इसका मतलब चार्ज समान और डिस्टेंस समान है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण भी क्या होगा समान। तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश द्वारा मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना माना मैंने, ई ए के कारण, किस पर, सी पर ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का परिमाण जो है वो किसके बराबर है, वो मूल बिंदु पर बी के कारण इंटेंसिटी के परिमाण के बराबर। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो चार्ज पहले से वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो चार्ज पहले से वो भी कौन है, पॉजिटिव, तो इसकी इंटेंसिटी इस तरफ है, इसकी इंटेंसिटी इस तरफ है, और दोनों का परिमाण समान और दिशा क्या है विपरीत, तो क्या लिख सकते हो बेटा कि ई नोट ए व ई नोट बी की दिशा विपरीत है, अतः मूल बिंदु पर जो नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी तो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 न्यूटन/कूलम, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिकल जीरो क्यों हुआ कि जितना चार्ज उतना बी पर है उतना ही ए पर है, जितनी डिस्टेंस मूल बिंदु से बी की है उतनी डिस्टेंस मूल बिंदु से कितनी की है, ए की है, डिस्टेंस समान है और चार्ज समान है, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण समान होगा, दिशा में वेकेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है वो करते हैं बी नंबर, बी पॉइंट ये कह रहा है कि x बराबर 2 पर, तो ये पॉइंट सी पर निकालना, तो हम निकाल लेंगे बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है, बिंदु सी पर, तो बिंदु सी पर हम बी के कारण देखेंगे, पहले एक नंबर डालेंगे बिंदु बी के कारण, बी के या क्यू बी के कारण दिख रहे, तो क्यू बी चार्ज ये रहा बेटा, क्यू बी चार्ज की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी, टोटल 0.2 मीटर, 0.1 मीटर कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर, तो क्यू बी कारण तीव्रता है उसको बी बिंदु सी पर देखनी है ड्यू टू बी के कारण, उसका परिमाण जिसको ले लेते, परिमाण तो होगा के क्यू बी अपॉन में कितना होगा, इसको मैंने मान लिया आर सी बी के मोड का स्क्वायर, और दिशा किस तरफ होगी बेटा, बी से किस तरफ होगी, सी की, तो कितना हो जाएगा बी सी कैप, ठीक है। अब ये इसका मान रख के सोल्व करें तो कितना देगा, 9 × 10^9 के का मान इंटू क्यू बी का मान कितना दे रखा है, 10^-8, 10^-8, आर सी बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.3 मीटर, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 2 दशमलव हटाए तो ऊपर कितने आ जाएंगे 100। अब यहाँ पे 9 से 9 कट गया तो कितना देगा, इससे कट गया पूरा तो ये कितना देगा 11, और 10^-8 सोल्व करने पर कितना देगा, ई सी बी बराबर आ जाएगा हमारे पास हुआ 10^-10^+3 न्यूटन / कूलम।
ये तो बी सी पर बी के कारण इंटेंस है ए। अब हम देखेंगे क्यू ए के कारण, तो क्यू ए के कारण देखा जाए तो बिंदु सी पर इंटेंसिटी देखेंगे किसके कारण, ए के कारण, चार्ज क्यू ए अपॉन में आर सी ए वेक्टर मोड का स्क्वायर, और दिशा किस तरफ है बेटा बी सी कैप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की कारण दिशा इस तरफ होगी, इसकी भी दिशा जो होगी वो क्या होगी इस तरफ होगी, दोनों की दिशा सेम है। अब इसका अगर मान रख के सोल्व करें तो सी ए वेक्टर का जो परिमाण निकाले हम तो वो कितना रहेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई में क्यू ए वो 10 की पावर माइनस 8, और डिस्टेंस देखिए बेटा ए से बी की बीच, ए से सी की बीच डिस्टेंस पॉइंट वन है, क्योंकि पूरी पॉइंट दो 2 मीटर है, ये पॉइंट वन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 उड़ाए दो जीरो 10 की पावर कितना आ गया 2। अब सॉल्व करने पर ई सी ए कितना आ जाएगा, अब जो मोड आएगा वो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 न्यूटन अपॉन में कूलम। अतः बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता वो हमारे पास इसी नेट मान ले या इसी ई नेट की तीव्रता निकालनी है एट पॉइंट सी पर, वो कितना आएगा इसी ए वेक्टर का मोड प्लस इसी बी वेक्टर का मोड, ये तो उसका परिमाण हो गया। अब दिशा देखी जाए तो किस तरफ होगी बी सी कैप, जोड़ने पर देखना बेटा जोड़ करने पर इनको जोड़े तो 10 की पावर 3 तो प्लस की 3 कॉमन आ जाएगी, तो इसी का ए का मान 9 प्लस ए कितना आ जाएगा 10, बी सी कैप सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 बी सी कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा बिंदु डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन में बिंदु डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हम दोनों की बीडी और एडी की डिस्टेंस हमें चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बीडी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो बेटा चित्र से साफ स्पष्ट है क्या कि ये भी पॉइंट एक है, ये भी पॉइंट एक मीटर है, ये भी पॉइंट एक मीटर है, ये भी कितनी है पॉइंट एक मीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस समान होने के कारण से मैं कह सकता हूं चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि जितनी ही बीडी है उतनी ही क्या है बेटा एडी, तो कह सकता हूं बीडी वेक्टर का जो मोड है वो किसके बराबर है एडी वेक्टर के मोड के इक्वल है, और ये अगर पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकालूं डिस्टेंस तो कितना रहेगा रूट में अंदर 0.1 का स्क्वायर, और फिर कितना रहेगा 0.1 का स्क्वायर सोल्व करने पाएगा रूट 2 सॉरी 0.1 रूट 2 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस आ गई। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल ली एक बार के लिए, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी मैंने 0.1 रूट 2 मीटर हमने निकाल ली इसका क्वेश्चन करके। अब ये के कारण तीव्रता होगी वो किस तरफ जाएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ये भी, ये पॉजिटिव चार्ज है ये, और ई बी भी चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, तो इसकी दिशा किस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी, ये तो हमारे पास किसकी होगी ई ए के कारण तीव्रता, और ये किसके कारण होगी ई बी के कारण तीव्रता। अब देखो बेटा अगर ये एंगल में थीटा मान लू बार के लिए तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा तीव्रता को घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं बेटा कि ए क्यू ए के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्यू ए के कारण तीव्रता जो बेटा वो कितनी होगी ए बिंदु डी पर ए के कारण, तो पॉइंट डी पर ए के कारण वो हो जाएगी के का मान 9 10 की पावर 9, चार्ज कितना है इसका 10 की पावर -8 कूलम अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो 0.1 रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाई 2 उड़ाया 0 तो कितना आ गया बेटा 10 की पावर 2 या 100 कह सकते हो इसको, काटने पर कितना देगा 45 × 10 की पावर 2 न्यूटन अपॉन में कूलम। जितनी तीव्रता इसकी आएगी उतनी ही तीव्रता क्या आएगी बेटा इसकी, हमारे पास अतः
क्यूबी के कारण बिंदु डी पर तीव्रता जो होगी वो भी कितनी होगी, क्यू डी क्यूबी के कारण वो भी कितनी होगी। देखो मिनट के लिए मैं मान रख के सॉल्व कर लेता हूं, तो 9 × 10⁻⁹, 7 की 10⁻⁸, 20 की डिस्टेंस कितनी होगी 0.1, पाइथागोरस से निकाला हमने तो √2.1 आ गया, और उसका स्क्वायर किया हमने कितना आ गया 0.001, और √2 का करेंगे तो 2। अब ये ऊपर गए तो कितना आ गया 100, अब ये कितना 90 से काट दिया तो 45, तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 0.1√2 का स्क्वायर, और सोल्व करने हमारे पास कितना देगा 45 × 10⁻² न्यूटन अपॉन में कूलम। अब देखा जाए कि जो ईबी के कारण तीव्रता डी बिंदु डी पर परिमाण है वो कितना है, ए के कारण जो तीव्रता है डी पर उसके परिमाण के क्या है, इक्वल है। अतः क्या करेंगे बेटा, घटकों में विभाजित करने पर, अतः घटकों में विभाजित करने पर, बेटा हमने घटकों में विभाजित क्यों किया, देखो पहली बार इसका परिमाण समान है तो हमने घटकों में विभाजित करने की पहली प्रायोरिटी है। अगर मैं चाहूं तो उसको घटकों में विभाजित नहीं करके भी सॉल्व कर सकता हूं, पर अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एक अननोन चीज है थीटा, थीटा हमें इसका एंगल पता नहीं है कितना होगा, हालांकि समकोण त्रिभुज है तो थीटा 45 डिग्री होगा। अगर हमें नहीं पता इसके बारे में जानकारी थीटा कितना, तो हमें घटकों में तोड़ना सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखा जाए इस ईए के इधर वाले दिशा में घटक जो आएगा वो कितना आएगा, ईए कॉस थीटा, और इधर वाला घटक क्या होगा, ईए सॉरी ईबी कॉस थीटा, इसका ईबी का ये घटक कौन सा होगा, ईबी साइन थीटा, इसका ये घटक कौन सा होगा, ईबी सॉरी ईए साइन थीटा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर देखो कॉस थीटा वाला घटक एक तो इधर है और दूसरा किधर है, इधर, तो ये तो क्या कर देंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः बिंदु डी पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो कॉस थीटा वाले सॉरी साइन थीटा वाले घटकों का ना होगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः परिणामी तीव्रता साइन थीटा वाले घटकों के कारण होगी, किसके कारण होगी, साइन थीटा वाले घटक के कारण। अतः हमें डी पर नेट इंटेंसिटी निकालनी है, वो कितनी होगी, ई डी ए साइन थीटा और ई डी ए सॉरी ई डी वी साइन थीटा, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या बेटा बराबर है, इसको मैंने कितना मान लेता हूं बेटा ई मान ले, ई मानने पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2 × E sin θ, 2 E का मान कितना है इसमें, E का मान अभी हमने निकाला था 45 × 10⁻², और हमारे पास sin θ हम निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम sin θ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, sin θ कितना होता है लंब बटे में कर्ण, इस डायग्राम में sin θ कितना होगा लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है 0.1, कर्ण कितना है 0.1 मल्टीप्लाई रूट 2, काटने पर कितना देगा 1/√2। तो अब साइन थीटा की वैल्यू लिख दें तो 2 × 45 × 10⁻², 1/√2, इसका परिमेयकरण कर ले तो √2 × √2 इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 45√2 × 10⁻², न्यूटन अपॉन में कूलम। ये हमारे पास बिंदु डी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम जो हमारे बुक के अति लघुरात्मक प्रश्न है जो मैंने 1-10 पिछले लेक्चर सीरीज में करवा दिए, अब 11 से लेकर 20 तक के प्रयोग जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ इधर दिख रहे दिखे हुए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है 11वां क्वेश्चन नंबर 11 के उस प्रयोग का नाम बताइए जो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को क्या करता है, संतुष्ट करता है या उसकी स्थापना करता है या स्थापना हुई उसकी क्वांटीकरण की, तो वो हमारे पास है मूलिकन तेल बिंदु प्रयोग, मिलिकन तेल बिंदु बिंदु प्रयोग। दूसरा हमारा जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है वो क्या, द्विध्रुव अवगुण को परिभाषित कीजिए,
कुछ भी नहीं है बेटा। द्विध्रुव अवगुण जो होता है वो एक सदिश भौतिक राशि है, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, और जो दिशा होती है इसकी वो किस तरह होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। जो 30 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या कहा, आदर्श द्विध्रुव की शर्त क्या होती है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एक नंबर जो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। कुछ भी नहीं होता बेटा, आदर्श द्विध्रुव वो होता है जिनमें दोनों आवेशों का परिमाण उच्च होता है और बीच की दूरी क्या होती है बेटा, अति अल्प होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कह रहा है एक ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य और आवेशित हो अनावेशित हो। तो बेटा ऐसा कण जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, फोटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है बेटा कि नियतांक जो होता है के बराबर 1/4 ε0 वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, के बराबर 4 ε0 ये दो चीज पर डिपेंड करता है। पहली चीज माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा हमारे पास है मात्रकों की पद्धति पर, की पद्धति पर। माध्यम की प्रकृति पर तो बेटा भाई एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है मीडियम में, मात्रकों पद्धति मतलब सीजीएस में के का मान कितना होता है 1, जबकि ऐसे पद्धति में के का जो मान होता है वो कितना होता है 9/10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, कूलम स्क्वायर होता है। अब जो 16 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन का नाभिक दे रखा है गिवन में, एक नाइट्रोजन का नाभिक दे रखा है बेटा, ये आपने पहली बार पढ़ा है इसलिए समझ लेना। देखो यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है वो तो क्या है, तत्व का प्रतीक, ऊपर जो होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या मेरे हिसाब से 11th की केमिस्ट्री में भी टॉपिक आया होगा, इसे ए से लिखते हैं। और यहाँ पे जो ये होता है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, वैसे परमाणु क्रमांक का मीन्स जो होता है वो होता है नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, पहले ये बना था उसके बाद ये बना। तो हमें क्या निकालना है बेटा, इसके नाभिक पर आवेश कितना है, तो नाभिक में प्रोटोनों की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है 7, तो हमें एन बराबर कितना मिल गया 7 मिल चुका है। अब आवेश के क्वांटिकल सिद्धांत होता है वो कितना होता है एन ई, तो कितना देगा 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपके आ गया आंसर आ गया। जो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है एबोनेट की सर को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनेट की सर पर ऋण आवेश क्यों आता है, 16 था और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ही है। वो कहता है कि एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनेट की छड़ पर ऋण आवेश क्यों आता है। इसका मेन रीजन ये है बेटा कि एबोनेट की छड़ जो होती है उससे बंधित इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आकर्षण बल से क्या होता है, बंधित होते हैं। और या फिर मैं इसको ये कह सकता हूं, ध्यान सुनना बेटा, कि बिल्ली की खाल जो होती है उससे बंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम आकर्षण बल से क्या होता है, बंधित होते हैं, जिसके कारण से रगड़ने पर वो उसके ऊपर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है, जब थीटा बराबर 0 होता है, तो द्विध्रुव अवगुण का मान जो थीटा बराबर 0 होने पर, तो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कह रहा है थीटा बराबर जब 0 होता है 0 डिग्री, तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव क्या होता है, साम्यावस्था की स्थिति में होता है, पीई साइन थीटा, इस अवस्था में तो बल अवगुण होता है 0 न्यूटन × मीटर, इसका वाला निकाय क्या होगा, साम्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य परिणामी बल कितना होगा, तो वो 0 होता है। 18वां क्वेश्चन वो कहता है आवेश का ऐसा ही वह सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या लिखना बेटा, अपने को मात्रक लिखना है और उसमें संबंध भी क्या करना है हमें बताना है। तो पहले हम निकालो तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ क्यू जो होता है बेटा कितना होता है कूलॉम, जो होता है किसके बराबर, एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट जो होती है बेटा चार्ज की, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज वो कुल दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा ई एस यू और दूसरा कौन सा था बेटा EMU, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे बोलते हैं बेटा, इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं स्टेट कूलम
स्टेट गुलाम, या ऐसे बोलते हैं क्या, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और यहां जो होता है उसे बोलते हैं एबी गुलाम, एबी गुलाम। ठीक है, अब देखा जाए बेटा ये कितना होता है, एक गुलाम जो होता है वो 3×10⁻⁹ स्टेट गुलाम होता है, स्टेट कुलोम, या कह सकता हूँ 3×10⁻⁹ ESU, या कह सकता हूँ 3×10⁻³ फ्रैंकलिन। यहां जो होता है कि एक एबी कुलोम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 कुलोम के बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का संबंध निकालना है। तो अगर देखा जाए यहां पे 1 कूलम और यहां से 1 कूलम ले ले तो कितना आ जाएगा, एक एबी कूलम जो आएगा, एबी कूलम वो कितना देगा, 3×10⁻¹० स्टेट कूलम। ये हमारे संबंध थे आज की डेट के अंदर, हमने या आज की लेक्चर सीरीज के अंदर हमने पूरे जो बुक के न्यूमेरिकल है वो कर लिए। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेसन नंबर 2 पर आधारित रहेगा। अब कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है, सर थोड़ा वीडियो धीमे डालो, रोजाना एक वीडियो अपलोड मत करो, तो इसकी समस्या का समाधान ही मैं 1 या 2 दिनों में कर दूंगा। फिजिक्स की और जो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज अभी जो चल रही है उस लेक्चर सीरीज के अंदर हर दिन पहले फिजिक्स का एक दिन, अगले दिन केमिस्ट्री का, उसके अगले दिन फिजिक्स का, उसके अगले दिन केमिस्ट्री का, ऐसे सिक्वेंस आपकी चलती रहेगी। और हाँ, वीडियो को देखो, देख करके अपने नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको डाउट है, चाहे वो एक्सपीरियंस किसी भी गाइड का है, किसी भी बुक का है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज दो, या तो हमारी तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे स्कूल का, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको अपने जो है अल्ट को फोटो खींच कर सेंड कर दो, आपका आंसर जो है मैं तुरंत, हो सकता है 1 घंटे में या 2 घंटे में दे दूं।